हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण सर्च पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपने थंबनेल देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे आप अप्लाई करें, क्या होगी प्रोसीजर्स, क्या होंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस, डेमो वीडियो कैसे क्लियर करें, इतने वीडियोस में आप लोगों ने भर भर के लाइक, ठीक है, लाइक वेदांतु की वीडियो गई, अनअकैडमी की वीडियो गई, लीडो की वीडियो गई, आपने उन सबको बहुत ज्यादा प्यार दिया। और आज की वीडियो दोस्तों इंडिया के लार्जेस्ट एडटेक कंपनी के इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें या क्या होगी प्रोसीजर, किस तरीके से आप एक अच्छा कैंडिडेट अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बायजूस की। दोस्तों बायजूस नाम काफी है, नेम इज इनफ। तो दोस्तों ये एक सीरीज ऑफ वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अप्लाई करेंगे, मेल किस तरीके से आएगा, ठीक है, आपको इंटरव्यू कहां पर देना है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये सब आपसे डिटेल में बात करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, बट बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, अगर पूरी प्रोसेस को समझना चाहते हैं, ठीक है। सो सीधे मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलूंगा और वहां आपको बताऊंगा क्या है प्रोसीजर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे गूगल ओपन कर रखा है। सो आप भी www.google.com पे जाएंगे और यहाँ पर जाके google.com के सर्च में, जब सर्च बॉक्स में आप क्या सर्च करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बायजूस करियर। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला नहीं, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो उस बायजूस की वेबसाइट का है। दूसरा अगर जो आप वेब एड्रेस देखेंगे वो आपको दिखेगा Careers at Byju's, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा Byju's की वेबसाइट पे, करियर पेज पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है व्यू ऑल जॉब्स, सारे जॉब्स अगर आपको देखनी है कौन कौन सी है तो उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लेकर आएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक आप एकेडमिक एंड कॉन्टेंट से रिलेटेड अगर जॉब देखना चाहते हैं तो पहला आप क्लिक करेंगे, मीडिया और दूसरे जो इनके देखिए वहां पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, अलाउ योर क्रिएटिविटी टू ट्रूली रन वाइल्ड विथ ग्राफिक्स एंड फिल्म डिजाइनिंग, बेसिकली जो कर सकते हैं अच्छी उनके लिए है। तीसरा है टेक्निकल जो टीम होगी वो। चौथा बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ये होते हैं सेल्समैन बेसिकली जो प्रमोट करते हैं बायजूस को। चौथा है ब्रांड एंड मार्केटिंग और पांचवा है फाइनेंस। तो वी एज अ टीचर, ऑफकोर्स हम लोग किस पर क्लिक करेंगे, हम जाएंगे एकेडमिक एंड कॉन्टेंट पे। तो जैसे ही हम एकेडमिक और कॉन्टेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एकेडमिक से जुड़ी जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। जैसे हाल फिलहाल प्रेजेंट टाइम में एसोसिएट एडिटोरियल कमेटी जो कॉन्टेंट डेवलपमेंट है उनकी, क्रिएटिव कॉन्टेंट राइटर है उनकी जॉब है, कॉन्टेंट डेवलपमेंट सीनियर कॉन्टेंट डेवलपमेंट जो मैथ्स के थ्री थर्ड क्लास तक कंटेंट डिजाइन करते हैं उनकी वैकेंसीज हैं। तो आप जैसे ही इस पे अप्लाई जॉब पे क्लिक करेंगे तो इस जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब प्रोफाइल होगी, क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड एट, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो सारी डिटेल, बेसिकली जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल इसमें दी हुई। जैसे आप साइंस और मैथ्स का बहुत अच्छा कॉन्टेंट बना सकते हैं, ठीक है, तो आप ये कॉन्टेंट डेवलपर या सीनियर कॉन्टेंट डेवलपर साइंस एंड मैथ्स अप टू थर्ड स्टैंडर्ड। ध्यान रखिए बायजूस बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी मांगता है, मैं भी आपको ईमेल दिखाऊंगा जो आया हुआ है और कैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इसलिए मैं तो आपको कहूंगा कि इसे सिर्फ नॉर्मल टीचिंग की तरह ना देखिए। अगर बायजूस में आप कॉन्टेंट डेवलपर या एज ए टीचर जाना चाहते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होनी चाहिए। क्रिएटिविटी मतलब आप साइंस या मैथ्स या इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कैसे जनरल लाइफ में लाके ईजी बना सकते हैं, वो आप जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना ज्यादा। बेसिकली आपका कंटेंट डिलीवरी क्या है, उसके साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्मार्टनेस कितनी है, वो भी आपको यहाँ पर पूछी जा सकती है, ठीक है। सो ये देखिए लिखा हुआ है, इफ यू आर समवन विद टीचिंग टेक्निक विद अर्ली लर्नर्स, जो अर्ली यानी छोटे बच्चों के लिए आप पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी स्कूल्स में, नई टेक्निक्स आप अप्लाई अडॉप्ट करने में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है, क्योंकि इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। You cannot be, typical teacher and teach over here. अगर आपको लगता है कि आप वो पुराने typical teacher हैं और आप यहाँ पे बायजूस पे चल पाएंगे तो भैया आपको बता दूं, नहीं चल पाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है अप्लाई करने के लिए, बेसिकली यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे अप्लाई नाउ का, इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
आपको ये रिडायरेक्ट करेगा इनके गूगल फॉर्म पे, ठीक है। वहां पर आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे, जब फॉर्म फिल करेंगे आपको उनका कंटेंट पसंद आया, अगर आपको उनको आपका जो है फॉर्म पसंद आया, आपके जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो आंसर्स आपने बहुत अच्छे से दिए हैं, आपकी प्रोफाइल एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोफाइल लगती है, तब क्या होगा, देखिए मैं जो दूसरा वीडियो लाऊंगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा आपने गूगल फॉर्म कैसे भरना है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। यहां से जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे मैं आपको अब अपने इनबॉक्स में ले चलता हूं और दिखाता हूं जो मुझे मेल आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे जो पहला मेल आया हुआ है बायजूस का वो ये रहा, ध्यान से आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। डियर कैंडिडेट, वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एजुकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनीज। मैं थोड़ी देर वीडियो को पॉज करता हूं और आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं कुछ चीजों पे आपको फोकस करना चाहूंगा, क्या क्या इनकी डिमांड है, व्हाट कैंडिडेट शुड हैव, ये इतने रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। नीचे देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये रही आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। लोकेशन कहां पर है कि भाई ये पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम जॉब है, तो दोस्तों ये फुल टाइम जॉब है, यानी अभी पैंडेमिक के टाइम आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है, लेकिन जब भी ये रेगुलर स्टार्ट होगा यू हैव टू शिफ्ट टू देयर बैंगलोर ऑफिस। आप यहां पर देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ये फुल टाइम जॉब है, ठीक है। और जो इनकी CTC है, सॉरी फॉर दिस नॉट रिवीलिंग, ये आपको जब आएगा तो आप उसे देख सकते हैं कि मिनिमम जो इनकी ईयरली सैलरी, इट्स अ गुड अमाउंट बट ड्यू टू सम रूल्स आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट, मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट अच्छा अमाउंट होगा इतना मैं जरूर आपको कह सकता हूं। फिर आपको एक और गूगल फॉर्म की लिंक यहां दी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक तो फॉर्म आपने वहां भरा था वेबसाइट पे, दूसरा जब इनका मेल आया है यानी अब यह या आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है तो आपसे फिर से वो एक गूगल फॉर्म भरवाएंगे। अब इस गूगल फॉर्म में क्या होगा, इसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि इसका गूगल फॉर्म कैसा होता है, क्योंकि रीजन क्या है, दूसरी जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं उनके गूगल फॉर्म आपको डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे, बायजूस में ऐसा नहीं है। बायजूस का गूगल फॉर्म सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिनको इनका रिस्पॉन्स जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है, ये गूगल फॉर्म की लिंक है, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे मुझसे, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊं कैसे क्या फिलअप करना है, तो उसके लिए मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया उनका बेसिकली एक कह सकते हैं ना वेलकम लेटर कह सकते हैं, कि जहां पर वो मीटिंग शेड्यूल करेंगे। जब आप ध्यान से सुनिएगा, जब ये आप गूगल फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे, भर देंगे, भर कर सबमिट कर देंगे, उसके 48 आवर में, जी हाँ दोस्तों, दो दिन के अंदर यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम बायजूस, आपको बायजूस से कॉल आएगा, एंड दैट इज डेफिनेट। हाँ, ऐसा नहीं कि भर दिया, बहुत सारी एडटेक कंपनीज में ऐसा भी है जहां पर आपने मेल इतने मेल कर दिए बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, बायजूस में ऐसा नहीं है, दे आर वेरी क्लियर। आप जैसे ही गूगल फॉर्म भरेंगे 48 आवर्स के अंदर आपको कॉल आएगा, ठीक है, दे विल कॉल यू। आपको वो दो चीजें देंगे, बात करेंगे, आपकी मीटिंग शेड्यूल करेंगे और दो मेल्स आपको भेजेंगे, एक मेल जिसमें आपकी मीटिंग की लिंक होगी, जूम मीटिंग की लिंक, दूसरा मेल आपको किन किन चीजों को प्रेजेंट करना है इंटरव्यू में, ठीक है। मैं आपको दूसरा मेल दिखाता हूं, जरा उसको ध्यान से देखिएगा, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मेल है आपके लिए, और वो मेल ये है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही क्लियरली यहां पे मेंशन किया गया है कि डियर कैंडिडेट, थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी विल बी कंडक्टिंग योर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, इन दिस राउंड ऑफ इंटरव्यू यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव शॉर्ट टीचिंग डेमो, आपको छोटा सा डेमो देना। देखिए आपको एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बायजूस की जो आपको बहुत पसंद आएगी, इतनी बड़ी एडटेक कंपनी है, आप बायजूस के वीडियोस भी देखते हैं, इतना अच्छा खासा ग्राफिक्स है, लेकिन आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि वो अपने इंटरव्यू में ना कोई PPT ना कोई PDF कुछ भी नहीं पूछते। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आपको आज बता रहा हूं। सबको लगता होगा कि भाई बायजूस का इंटरव्यू होता होगा तो बहुत अच्छी खासी डिजाइन करनी पड़ती होगी, जी नहीं दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है पीपीटी इज नॉट अलाउड, विच मींस दैट आपको अपनी कोर टीचिंग दिखानी है वहां पे, कोर टीचिंग मतलब मेन टॉपिक। और दोस्तों उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि डोंट पिक द कॉमन टॉपिक्स, कॉमन टॉपिक्स बिल्कुल भी पिक ना करिए। जैसे साइंस के टीचर क्या, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब कॉमन टॉपिक है, टिपिकल टॉपिक है, डोंट चूज देम। इसका मतलब क्या आया,
आपको अपने सब्जेक्ट का कितना कोर नॉलेज है वो आपको देना है। ठीक है, तो आपको 15 मिनट अपने सब्जेक्ट का कोर नॉलेज, कोई भी एक टॉपिक पकड़िए जो कि कॉमनली एकदम बेस कह सकते हैं उस सब्जेक्ट का हो, उस सब्जेक्ट को उठाइए और उसको कोर नॉलेज डेफ तक ले जाके 15 मिनट में एक्सप्लेन करिए जितना नॉलेज आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए उन्होंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए यहाँ पे कि वो इन टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए हैं, लगभग 12 टॉपिक उन्होंने दिए हैं और आपको कह दिया जाएगा कि भाई कल आपका इंटरव्यू है, ये आप पहले तो 15 मिनट आप अपना खुद का कोर टीचिंग करेंगे और बाकी के जो 15 मिनट होंगे उसमें हम इन 12 टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मेल आपको 24 आवर पहले ही आ जाएगा, इसका मतलब यू विल गेट इनफ टाइम। बहुत सारे ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी बायजूस की कि वो आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारी तरफ से एक बार ये भी समझिए, इतना बड़ा वास्ट कंटेंट है, कोई कहीं से भी कुछ भी पूछेगा, कोई बजरंगबली हनुमान तो है नहीं कि कुछ भी बता देगा। भाई हमारी भी एक लिमिटेशन है, भाई आप ये क्राइटेरिया दो कि हम इसमें से पूछेंगे तो हम प्रिपेयर रहेंगे। अब मैं प्रिपेयर कुछ और कर रहा हूं और आप पूछ कुछ और ही रहो, तो वो तो आप उससे आप किसी की टैलेंट को जज भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने बता भी दिया कि हम किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली बायजूस की। एक तो वो कोई पीपीटी कोई पीडीएफ नहीं, आप अपनी टीचिंग कर दीजिए पहला, यानी दे विल गिव यू बेस्ट टाइम टू यू वेर यू कैन डिलीवर योर 110%। सेकेंड, दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ टॉपिक जिसमें से वो क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू विल हैव टू प्रिपेयर ओनली दीज टॉपिक्स। ये दो चीजें बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं आपको तीसरा मेल दिखाता हूं जो मुझे आया हुआ है, वो ये मेल आया हुआ है जिसमें मुझे इनविटेशन आईडी दी है ये। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटरव्यू आपको आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही नेम के साथ यहां पर लिखा हुआ है, जूम आईडी होगी, टाइम दिया होगा और उसी टाइम पे आपको 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो क्या हुआ इंटरव्यू में, कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए, मैंने किस टॉपिक पे इंटरव्यू पे दिया, ये सब आपको बताऊंगा मैं। अगर आपको ये सब चाहिए, जानना है कि गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है, इंटरव्यू कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको जरूर लाके दूंगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊं, बहुत ही सुपर प्लेटफॉर्म है, कहने की जरूरत नहीं है, आई थिंक इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे, सो एवरीबडी लव टू वर्क, सबको चाहिए कि भाई ऐसी कंपनी में काम करने को मिले। सो अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इंग्लिश बाय अरुण सर, आप वहां पर जाके भी मुझे टैग कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए करियर गाइडेंस टॉपिक के साथ, जहां मैं आपकी कुछ हेल्प करूंगा ऑनलाइन अर्निंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए और अगर कुछ कर सकते हैं तो काम करते रहिए, अरुण सर के साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।